I am. Yeah, bad video. स्क्रीनिंग ले जा रही मैम जी, मेरी शॉर्टकट की स्क्रीनिंग जी 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 अभी आइए देखिए। हाँ मैम, और कौन कौन आने वाला है? कुछ नसीर साहब भी हैं। हाँ, आ गए हैं, वो आ गए हाँ। ना ऊपर गए नसीर साहब, आ गए तो मुझे भी जाना चाहिए। जी 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 थैंक यू थैंक यू। कौन पीछे ले रहा है? एक बहुत ही अच्छी सरल सी कहानी जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक शशोपंच में है कि मैं क्या करूं आगे अपनी ज़िंदगी के साथ। वो नाबीना है और उसे मालूम नहीं है कि उसके घर की हालत क्या हो गई है ओवर द इयर्स, और उसकी एक बेटी है और बीवी है, और वो पार्टीशन होते वक्त जाने से पहले अपना सब कुछ जो है वो किसी को विरासत में दे देना चाहता है या बेच देना चाहता है, लेकिन यही बेसिकली उसका प्रॉब्लम है। सर, जिस तरीके से आपने बताया पार्टीशन की बात है, तो बाकी स्टोरी तो बहुत पुरानी होगी, जिस तरीके से आप लोगों ने शूट किया होगा क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो लकीली एक घर था कौशल के पेरेंट्स का जो बहुत ही पुराना है, जिसकी चारों तरफ अब इमारतें बन गई हैं, लेकिन उसके अंदर हम शूट कर पाए। तो वो एक फील जो है, और थोड़ी बहुत जादूगरी तो सिनेमैटिक करनी पड़ी कौशल को, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा कन्विंसिंग लगता है उस ज़माने का रिक्रिएशन। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस करके? मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं जो इंडिया 1940s और 1950s के बारे में है, एंड आई ऑलवेज फाइंड माई सेल्फ वेरी कम्फर्टेबल इन दैट ईरा। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में मैं मिसफिट हूँ उसी समय उस समय जिस तरह का पेस ऑफ लाइफ था वो शायद इट्स मोस्ट सूटेड टू माई नेचर, सो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी होम इन दैट एट होम इन दैट पीरियड। ये कहना चाहती हूँ कि जब नसीर साहब जब बात कर रहे थे कि वो अब इमारत नहीं रही हाँ जहाँ हमने शूटिंग की थी, तो पर वो एक बहुत ही अनोखा तजुर्बा रहा उस इस कहानी को एक फिल्म पर एक फिल्म बनाने का, और जिस तरह से इसको फिल्माया गया है मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आए, और ख़ास कर इसलिए कि उस ज़माने की बात जो है चाहे वो ज़माना पुराना लगे लोगों को, पर जो एक इंसानी रिश्ता होता है वो कभी पुराना नहीं होता या वो आउटडेटेड नहीं होता, जो ह्यूमन रिलेशनशिप होती है लोगों के बीच वो कभी आउटडेटेड नहीं होती, वो हमेशा रेलिवेंट रहती है। बहुत एक्चुअली मुझे अब याद आया, कौशल ने कहा था कि एक यादगार मैं इस घर की रखना चाहता हूँ, इसीलिए उसने उस घर में शूटिंग की। देखना चाहते हैं मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स
पुरानी कहानियाँ। अरे हमारी सारी फिल्में सारी कहानियाँ तो महाभारत से ली गई हैं और कहाँ से ली गई हैं, और महाभारत से पुरानी तो कोई कहानी है नहीं। आप जो फिल्म उठा के देख लीजिए वो कहीं ना कहीं महाभारत के किसी हिस्से की कहानी होगी, तो हम वही कहानी बताते आ रहे हैं 100 साल से, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ये फिल्म जो है, और इसीलिए मैं इन छोटी फिल्मों में काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं जो वो फिल्म मेकर बनाना चाहता है। उसके ऊपर कोई सर के ऊपर प्रोड्यूसर नहीं बैठा कि इसमें गाना डाल दो और इसमें स्टार डाल दो और फाइट सीन डाल दो और ये कर दो और वो कर दो। जैसा उनका दिल कहता है कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, वैसी फिल्में यंग फिल्म मेकर्स को बनाने का मौका मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपने तो सर के साथ काम किया तो हाँ, नहीं बहुत बुरा लगा, मैं बाबू बता नहीं सकती कितना खराब। नहीं मत बता, वो वाला किस्सा मत बता। शॉर्ट फिल्म जब शूट करते हैं ना, और 2 दिन में हमने शूट किया था शायद, तो ऑफ स्क्रीन टाइम ही नहीं था, हम सारा टाइम शूटिंग ही कर रहे थे। सर लास्टली, सभी आपको बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपकी अपकमिंग आते ही रहे, कि हम कुछ खास स्टोरी देखें, सभी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि इंतज़ार करते रहिए। फिल्मों में मैं ज़्यादा दिखूंगा नहीं, क्योंकि एक लंबा 3 महीने का शेड्यूल करने का मेरे बस का नहीं है, तो मैं फिल्मों में कई दोस्तों की फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं कर रहा हूं, जिनमें मुझे बहुत मज़ा आता है, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस तरह की का किरदार कभी दिखता था फिल्म में, तो मैं सोचता था कि इसमें अगर कोई अच्छा एक्टर होता तो बहुत फ़र्क पड़ता। और ये हैं राज अर्जुन, जैसे ही मैंने अच्छा एक्टर का नाम लिया एक अच्छा एक्टर आ गया। इससे बड़ी चीज कुछ हो सकती है? मुझे और कोई अवार्ड मिल सकता है इससे बड़ा, बताइए। हाय मैम, हाय, कैसे हैं? ठीक है, हाउ नाइस टू सी यू। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, शॉर्ट फिल्म्स आर अ स्टोरी अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक, वो कहानियां होती हैं जिनमें बहुत स्पेसिफिक बातें बतानी होती है। हाउ वाज दिस स्टोरी सूटेड फॉर द शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट? शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट के बारे में कैन यू स्पीक? भाई शॉर्ट फिल्म एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड थी, और आपने खुद देखा होगा कि जब किसी शॉर्ट स्टोरी को फीचर लेंथ फिल्म बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका कबाड़ा हो जाता है। सत्यजीत रे साहब तक ने गलती की थी शतरंज के खिलाड़ी बनाकर, और भी कई हैं शॉर्ट स्टोरीज जिनको एक्सपैंड करके और फिल्म मेकर जो है वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की कोशिश करने लगते हैं कि मैं उस ज़माने की हिस्ट्री के बारे में कितना जानता हूँ, वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो और शॉर्ट फिल्म बनाना उतना ही मुश्किल है जितना एक शॉर्ट कहानी लिखना, क्योंकि एक संक्षिप्त में आपको सारी बात कहनी पड़ती है, और आपके पास पेज दर पेज नहीं है कि आप डिस्क्रिप्शन देते जाएं संक्षिप्त में, एंड आई थिंक दैट्स वेरी डिफिकल्ट और वेरी चैलेंजिंग, और दो दिन 3 दिन का काम होता है, और साथ ही अच्छे मिले तो फिर उससे और क्या चाहिए बेहतर। अब प्लीज़ आप इनसे कुछ सवाल पूछिए, हम लोग ज़्यादा बोल दिया हुआ नसीर साहब ने साहब, और उनके बाद किसी को बोलने की जरूरत होती है। हाँ क्यों नहीं बात कर सकते भाई। सर ये फोटो ले लो। फोटो ले, बढ़िया एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस। Please, yeah, please don't stay back, yeah. The virus there, the virus there, the virus there, the virus there. Virus there. You want me to remove the mic? Yeah.